अब हम ये मच्छियों को अच्छे से धोएंगे और ये बाल्टी हम लेकर आ चुके हैं और एकदम कुनकुना पानी लेकर आए हैं, पूरा ठंडा नहीं लाए हैं। इस तरह का कुछ पुष्टे का हमने टुकड़ा काट लिया है गोल। और पूरी बात ये हुई कि तीन मच्छियाँ हमारी फूट चुकी है 11 में से। तो अब कल हमने सारी मच्छियाँ लगा दी थी इसमें, आप प्रॉपरली सारी मच्छियों ऊपर ये सेट हो चुके हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो पर। तो गाइस, आज हम बहुत दिनों बाद हमारी बर्ड्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला आपने तो देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम ये जो मटकियाँ हैं इनको हम बढ़ाने वाले हैं, 10 मटकियाँ और ऐड करने वाले हैं कॉलोनी में, क्योंकि कॉलोनी में चिड़िया ज़्यादा हो गई है, हमारी बर्ड ज़्यादा हो गई है और मटकियाँ कम हो गई है। तो हम ये जो मटकियाँ दिख रही है आपको, इनके नीचे ही 10 मटकियाँ और लगाएंगे। तो चलिए पहले तो मटकी लेकर आते हैं हम मार्केट से। आप देख सकते हैं कि हम मटकियां लेकर आ चुके हैं और ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी मटकियाँ। और अब हम ये मटकियों को अच्छे से धोएंगे और इनके अंदर यहाँ पर होल करेंगे। ये अभी बहुत गंदी हो रही है ये मटकियाँ सारी, तो अभी हम इन सबको धोएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद इन सारी मटकियों के अंदर होल करेंगे। मटकियों के अंदर होल करने से पहले हमने यहाँ पर देख सकते हैं मटकियों के लिए यहाँ पर दीवार में छेद करके और उसके अंदर नट और वाइसर लगा दिया है ताकि इस पर हम मटकियाँ लटका सके। अभी हमने 5 होल करके 5 मटकियों के लिए छेद कर दिए हैं और ये नट लगा दिए। अभी तो और नट लगाएंगे अभी बाकी हम। तो चलिए अब मटकियों को अच्छे से धो लेते हैं। ये पानी की बाल्टी हम लेकर आ चुके हैं और एकदम कुनकुना पानी लेकर आए हैं, पूरा ठंडा नहीं लाए हैं ताकि ये मटकियाँ एकदम ठंडी गार नहीं हो पाए। तो इसको हम जल्दी से चलिए अब धोते हैं मटकी को। मटकियाँ सब धो दी है और इस तरह का कुछ पुष्टे का हमने टुकड़ा काट लिया है गोल। और इस पे ऐसे मटकियों पे हम मार्किंग कर देंगे इस तरह की, पुष्टे को इसके ऊपर रख के ऐसे। तो सारी मटकियों पे ऐसे मार्किंग करके फिर हम इस साइज का छेद कर लेंगे इसके अंदर सभी मटकियों में। तो चलिए हम सब मटकियों में मार्किंग करके इस साइज का छेद कर लेते हैं इसकी मदद से। गाइस, सारी मटकियों में छेद हो चुके हैं और बुरी बात यह हुई कि 3 मटकियाँ हमारी फूट चुकी है 11 में से। तो अब 8 मटकियाँ ही बची है, तो बाद में और मटकियाँ हम ला के लगा देंगे। पर अभी इन मटकियों के अंदर अब हम तार को कस देते हैं ताकि जो नट लगाई है हमने उसमें हम ऐसे कैसे लटका दें इन मटकियों को। तो सारी मटकियों में अब हम तार लगा देते हैं। तो गाइस, तार बांधने के लिए हमने यहाँ पर एक लंबा सा तार लिया है डबल करके और इस तरीके से बांध दिया है और इतना लंबा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो इसको हम एक्स्ट्रा तार को इस तरीके से यूं कर ऐसे करके बांधेंगे हम इस तरीके से इसके अंदर ऐसे बांध देंगे। और ये जो है ये हमारा हुक बन जाएगा जो कि हम नट में ऐसे यूं ऐसे करके लटका देंगे इसको। तो चलिए इसको ऐसे करके हम कर देते हैं और फिर इसका सारी मटकियों में इस तरीके के हुक बना लेते हैं। गाइस, सभी मटकियों में इस तरीके के हुक बना लिए हैं हमने लटकाने के लिए, सारी मटकियों में हमने तार लगा दिए हैं। तो चलिए अब सब इन मटकियों को हम हमारी जो नट लगाई है हमने उन पर लटका देते हैं सभी मटकियों को। तो चलिए इस मटकी को हम लगाते हैं, यहाँ पर हमने छेद करके नट लगा दिए हैं वाइसर के साथ में। तो इस मटकी को अब हम लगाएंगे इसके अंदर, गेट बंद कर लेते हैं। तो इस मटकी को हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये मैंने होल के अंदर ऐसे ये रख दी, तो ये यहाँ पर ऐसी जैसी फिट हो चुकी है गाइस। तो इस तरीके से हम सारी मटकियाँ जल्दी से लगा लेते हैं। 1 eternity later।
तो गाइस कल हमने सारी मटका लगा दी थी यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे लाइन दिख रही है आपको, ये हमने लगा दी थी। और ये ऊपर की तीन जो मटका है वो भी हमने कल लगा दी थी रात को, तो कल बहुत लेट हो गया था हमको, तो आज सुबह स्टार्ट किया हमारी वीडियो। तो ये देख सकते हैं ये तीन मटके लगा दिए और नीचे ये पाँच लगा दिए क्योंकि आटी बची थी हमारे पास। तो अभी हम ये दिए लेकर आ चुके हैं मार्केट से इन मटकियों के ऊपर ढाकने के लिए, तो चलिए इन दियों को हम मटकियों के ऊपर ढाक देते हैं। तो एक एक करके सारी मटकियों में हम इस तरीके से ये दिए ऐसे रख देते हैं, देखिए ये पूरा फिट आ चुका है एकदम। तो देख सकते हैं आप प्रॉपरली सारी मटकियों पर ये सेट हो चुके हैं दिए, और सभी मटकियों पर लगा दिए हमने। ये वाली मटकी थोड़ी बड़ी है, इसके नाप का अभी हम लेकर नहीं आए हैं, तो इसका भी ला के लगा देंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो हमने आज मटकियाँ लगा दी और मटकियों पर सब फिट कर दिए और दिए भी लगा दिए हैं। तो हमने यहाँ पर आसपास ऐसी खिल ठोक दी है ताकि ये जो मटकियाँ है वो हिले नहीं। देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, मटकियाँ सारी एकदम परफेक्टली फिट हो चुकी है। तो आप भी अपनी मटकियों में ऐसे खिल लगाकर ऐसे फिट कर सकते हैं ताकि ये हिले नहीं। और यहाँ पर हमने लटका भी दिया ताकि हम कभी मटकियाँ निकालनी हो हमको तो इसको ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।